1917 इतिहास का हिस्सा बन चुकी है और उस इतिहास के हिस्से को जिंदा करने की कोशिश जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। और सबसे बड़ी बात जो थी, सत्ता के ऐसे समय में जम्मू के जयचंद सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू प्रोविंस से जब वोट लिए थे, जम्मू के हित के बारे में बात करने के लिए वोट लिए थे, अगर उन्होंने जम्मू के हित के लिए बात की थी, उसके लिए कहा था कि हम लोग लड़ेंगे, वो वातावरण जो था उन्होंने खराब करने की कोशिश की है, वो जानते हैं 370 इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। केंद्र की परिस्थितियां उनको पता है, केंद्र का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ा है, होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी है, ऐसे समय में उनको पता है कि हजार बार भी ये रेजोल्यूशन पास करेंगे तो ये इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अशांति का माहौल बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से कोशिश की है, जब हम लोग सत्ता में थे ऐसे समय में भी इन्होंने लोगों ने वहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश की थी, आज ही वैसा माहौल जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया, उस धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक साजिश के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक बार फिर कश्मीर के अंदर विधानसभा में धारा 370 का रेजोल्यूशन लाना, ये दिखाता है कि सरकार की मानसिकता देश को ही मानसिकता